Hello students, myself Bhagwat Singh, and today we are going to discuss the ECOD test number 9. Topic is thermal expansion, heat transfer, elasticity, surface tension and fluid mechanics. Okay, so our first question is, two vessels A and B of different shape have the same base area and are filled with water up to the same height. Dono ko same height tak fill kiya hai. The force exerted by the water on the base is F1 for the vessel A1 and FB for the vessel 2. Then which one is right? Question बोला है. देखो पहली बात height same है. Height same है तो pressure equal रहेगा. और यदि area equal है तो force will be equal because force होता है pressure into area. तो दोनों का जो force है वो equal रहेगा. Now weight किसका ज़्यादा रहेगा? तो definitely आप देखो जब आपको यदि area बराबर यहाँ का area बराबर दे रखा है तो इसके straight line को मैं draw करता हूँ. तो इसके अंदर ये जो liquid वो extra आ रहा है. इसका मतलब इसके अंदर यदि मैं W1 बोलता हूँ, इसके अंदर मैं W2 बोलता हूँ, तो W1 ज़्यादा रहेगा. तो ऑप्शन नंबर सेकंड. वी आर मूविंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन. माय अवर सेकंड क्वेश्चन इज द क्यूबिकल कंटेनर ABCDEFGH विच इज़ द कंप्लीटली फिल्ड विद द आइडियल फ्लूड मूव इन द ग्रेविटी फ्री स्पेस. एक्सेलरेशन इज गिवन. देन वेयर प्रेशर विल बी द मैक्सिमम. As we know, pressure always increases opposite of the acceleration, or we can say that pressure increases in the direction of the force or pseudo force. So, आपको जो given है उसके according में बात करो. सबसे पहले acceleration है I direction में, तो इस direction में यदि move कर रहा है तो pressure इसके opposite में increase होगा. तो इन चारों में सबसे कम रहेगा, ये option गए. अब रही ये चार option. Next check करते हैं ABCD में से. Now next acceleration है minus J. It's mean it is having acceleration in downward direction. It's mean pressure will increase in upward direction. So ये दो जो है इनमें से कोई option आएगा B and A में से. Next K. Now it is moving in that direction. इसका मतलब pressure जो maximum रहेगा वो कहाँ रहेगा? B पर. So our next question is a block of what volume V and the density sigma b is placed in the liquid of density. आपको एक liquid है जिसकी density given है, that is sigma 1. इसके अंदर एक block है जिसकी sigma b given है. Block is moved upward up to the height h. Now block जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो definitely बेटा जी यहाँ का liquid है वो यहाँ आएगा. इसका मतलब liquid उतने आएगा. Now ये ऊपर जा रहा है, इसका volume, इसका potential energy increase हो जाएगी. लेट में इसका मान लेता हूँ M1, तो M1 माइनस M2 GH. M1 कितना है? रो ऑफ इसकी जो भी डेंसिटी दे रखी है, सिग्मा बी दे रखी है, सिग्मा बी वी माइनस सिग्मा 1 वी. जब वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट थर्ड आंसर. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ, फॉर द लिक्विड विच इज द फ्लोइंग स्टेडली the level in the vertical tube is best represented by. आपको बोला है कि किसके अंदर level है वो best रहेगा. अपन बर्नौली equation लगाते हैं. P1 plus half rho V1 square is equal to P2 half rho V2 का square. Let यहाँ की velocity को मैं बोल देता हूँ V1 और यहाँ की velocity वो बोलता हूँ V2. Definitely V2 ज़्यादा रहेगा. मैं लिख लेता हूँ P1 minus P2 is equal to half rho V2 का square minus V1 square. ये positive है, इसका मतलब अच्छा P1 को मैं लिख सकता हूँ P0 plus rho GH, तो ये आ जाएगा H1 minus H2. ठीक है, H1 minus H2 is equal to half rho V2 का square minus V1 square divided by ये जो यहाँ का 2G था वो यहाँ पर आ जाएगा 2G. So basically क्या आ रहा है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ की हाइट क्या रहेगी? कम रहेगी. तो यहाँ से देखने पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट देयर इज टू आइडेंटिकल स्मॉल होल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टैंक कंटेनिंग द लिक्विड. द टैंक इज ओपन एट द टॉप. द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द टू होल इज एच, दैट इज गिवन. एज द लिक्विड कम आउट ऑफ द टू होल द टैंक विल एक्सपीरियंस अ नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स. सो वॉट विल द फोर्स? तो देखो अपन को पता है यहाँ की वेलोसिटी V1 आएगी, यहाँ की वेलोसिटी आएगी V2. नाउ जब लिक्विड बाहर निकलता है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है रो ए V का स्क्वायर. सो नेट फोर्स जो आ रहा है
वो आएगा इन दोनों का डिफरेंस. नाउ रो ए इक्वल है, इट इज़ वी वन इसका स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर. एंड वी नो दैट वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच. सो दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सेकेंड. मूविंग नेक्स्ट, नेक्स्ट गिवन है ए यू ट्यूब ऑफ द बेस लेंथ एल फिल्ड विद द सम वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड टू रो इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ए ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. इफ द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस कम टू जीरो, द हाइट एच इज, आपको बोला है कि डिफरेंस जीरो आ रहा है तो इस एच का वैल्यू क्या रहेगा. तो देखो इसकी जो डेंसिटी है वो रहेगी टू रो, इसकी डेंसिटी रहेगी रो. वो आपको वैसे पता है कि डेंसिटी ऐसे मूव कर, मैं प्रेशर इक्वेशन यहाँ का प्रेशर लिखता हूँ पी नॉट, यहाँ का प्रेशर पी नॉट. मैं प्रेशर इक्वेशन यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, यहाँ से स्टार्ट किया पी नॉट प्लस नीचे आया रो जी एच. नाउ वी आर मूविंग ऑपोजिट ऑफ द एक्सेलरेशन, सो दैट इज रो ए एल बाई टू. नाउ नेक्स्ट इसकी डेंसिटी कितनी है टू रो, तो टू रो ए एल बाई टू. नाउ वी आर मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस टू रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट. जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा. नेक्स्ट, नेक्स्ट देयर इज ए स्मॉल होल इन द बॉटम ऑफ द फिक्स्ड कंटेनर कंटेनिंग द लिक्विड अप टू हाइट एच. टॉप ऑफ द लिक्विड एज वेल एज द होल एट द बॉटम आर एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर एज द लिक्विड कम आउट ऑफ द होल. आपको टॉप सरफेस का एक्सेलरेशन पूछा है, अपन इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं. देखो कुछ चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए, कुछ रिजल्ट अपन को याद है. आपको बोला है कि यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है, लेट इसके अंदर लिक्विड एच भरा हुआ है. अपन को बताया कि यहाँ की वेलोसिटी वी रहेगी, ये अपने पास एच है, और यहाँ की जो वेलोसिटी है वी वन दैट इज टू जी एच. ठीक है, इसका हॉल कंपेरेबल नहीं होता है. नाउ इसका एरिया यदि मैं ए वन लेता हूँ, ए लेता हूँ, इसका स्मॉल एल लेता हूँ, तो मेरे पास एक तो आ गया वी ए इज इक्वल टू ए वी वन इक्वेशन. आपको इस सरफेस का एक्सेलरेशन पूछा है, इसका मतलब डी वी बाई डी टी पूछा है. ठीक है, तो एक मिनट के लिए ए इज इक्वल टू ए, ये अपने पास आ गया टू जी एच. एक ध्यान रखना, मैं इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ए कॉन्स्टेंट है, सो ए डी वी बाई डी टी ये अपने पास आ गया एक्सेलरेशन जो आपको पूछा है, जो एक्सेलरेशन ये भी कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को मैं अलग ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज नहीं हो. इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, तो रूट टू जी ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन वन बाई टू एच माइनस वन बाई टू डी एच बाई डी टी. और अपन को पता है जो वी है वो है माइनस डी एच बाई डी टी, तो डी एच बाई डी टी का जो वैल्यू है वो अपने पास वी है. वापस यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट करो, जब अपन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन. ठीक है, प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है. क्वेश्चन नंबर एट, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द स्मॉल. आपको बोला है कि यहाँ से जो बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो अपन यहाँ पर बर्नौली थ्योरम लगाते हैं. बर्नौली थ्योरम लगाने के लिए पहले एक लेवल लेना होता है, ये अपन लेवल ले लिया यहाँ पर ऐसे. ठीक है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट. बर्नौली थ्योरम में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है, ऑलवेज यूज बर्नौली थ्योरम इन द सेम लिक्विड. तो मैं एक बार यहाँ का लिख लेता हूँ, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर रहेगा पी नॉट प्लस रो जी टू एच. इस पॉइंट का नाम मैं बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम देता हूँ बी. तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एट बी. नो इसकी इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर दैट इज पी नॉट प्लस रो जी टू एच दैट इज प्रेशर प्लस रो जी एच. इसकी डेंसिटी कितनी है टू रो, तो टू रो जी एच. काइनेटिक एनर्जी हाफ टू रो वी वन का स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी अपन एज्यूम कर लेते हैं वी वन विच इज अल्टीमेटली कम टू जीरो, ये जीरो आ जाएगा क्योंकि नेग्लिजिबल है. इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर कितना है पी नॉट प्लस हाफ डेंसिटी ध्यान रखना टू रो वी स्क्वायर जो अपन को फाइंड करना है. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ए स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट व्हेन लोडेड विद द वेट इन द एयर इट एक्सपेंडेड बाय एल ए एंड व्हेन द वेट इज
immersed completely in the water, the extension is reduced to LW than the relative density of the material of the weight is. Now, इस क्वेश्चन को अपन बहुत सिंपल वे से करते हैं. लेट ये मेरे पास एक स्टील वायर है, यहाँ मैंने इसको सस्पेंड किया. देखो बेसिकली ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, सो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, इसके ऊपर जो लोड हुआ वो. सो आई कैन से दैट आपको लेट ये इसका मास एम है और इस एम को मैं लिख सकता हूँ रो वी, इसकी जो डेंसिटी है वो. सो एक तो मैं लिख सकता हूँ कि लेट के एक्सटेंशन कितना दिया है एल ए, दैट इज के एक्स इज इक्वल टू रो वी जी, इक्वेशन नंबर वन. और जब इसको पूरा लिक्विड में डुबाते हैं, अपन को पता है लिक्विड में डुबाएंगे तो इस पर फोर्स ऑफ बायोन्सी भी लगेगा, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ जो इसका कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं आएगा और वो आपको दिया है एल डब्ल्यू. एल डब्ल्यू नाउ दैट इज रो वी माइनस रो ऑफ द जो लिक्विड है वो वी इंटू जी. दोनों को डिवाइड कर दो, अपने पास आंसर मिल जाएगा. इसको सॉल्व कर लेंगे, एल ए डिवाइड बाई एल डब्ल्यू रो डिवाइड बाई रो माइनस रो एल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर मूविंग थ्रू द विस्कस मीडियम इज. तो टर्मिनल वेलोसिटी का हमको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, बट टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, टू हेलस्टोन विद रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 1:2 फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट थ्रू द एटमोस्फियर, देन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम आफ्टर दे हैव द अटेंड टर्मिनल वेलोसिटी. जस्ट अभी अपने क्या कि टर्मिनल जो वेलोसिटी होती है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम इन टू वी, मास होता है रो 4/3 पाई आर क्यूब और ये आर स्क्वायर. सो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5. ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ रेडियाई एंड यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील एंड ब्रॉस वायर इन द फिगर आर ए बी सी रेस्पेक्टली, देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ. देखो यहाँ का जो टी है वो रहेगा 2 mg, यहाँ का जो टी रहेगा वो रहेगा 3 mg. तो इसको मैं T1 लिख लेता हूँ, इसको अपन T2 लिख लेते हैं. ठीक है, ये तो आ गया. नो अपन को पता है कि यंग मॉडुलस डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू टी डिवाइड बाई एरिया. आपको किस में रेशियो पूछा है, करस्पॉन्डिंग रेशियो इंक्रीजेज इन द लेंथ वुड बी, इनका सबको आपको रेशियो दे रखा है. बेसिकली आपको डेल्टा एल का रेशियो पूछा है, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आएगा, टी एल गामा ए. ठीक है, सबका आपको वैल्यू दे रखा है, टी का वैल्यू आपको दे रखा है. जब आप इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट आंसर 2. नेक्स्ट, सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंट विद द कैपिलरी, द ट्यूब राइज ट्यूब वाटर राइज अप टू हाइट 0.1 meter. इफ द सेम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वाटर विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट एच इज. तो अपन को पता है कि जो राइज होता है वो होता है सरफेस टेंशन के कारण. सरफेस टेंशन होता है 2TR cos theta एंड दैट इज इक्वल टू mg. ठीक है, ये इसका अपन मेथड होता है फाइंड करने का हाइट. नाउ यदि आर्टिफिशियल सेटेलाइट में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर जी इफेक्टिव होगा 0. तो इसलिए जो भी कैपिलरी के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, यदि कैपिलरी के यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है तो ये लिक्विड जो है वो सरफेस टेंशन या जो ट्यूब की लेंथ होती है वहाँ तक राइज होता है और फिर अपने जो अपर सरफेस होता है वहाँ पर अपने एंगल को वो चेंज कर लेता है. तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 4th one. नेक्स्ट, द रेडियो ऑफ टू कॉमन कॉलम इन यू ट्यूब आर R1 and R2. वेन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0 इज फिल्ड इन इट,
द लेवल डिफरेंस, आपको डिफरेंस का पूछा है, तो जो कैपिटल राइज का फॉर्मूला होता है वो होता है टू टी कॉस थीटा डिवाइड बाई रो आर जी। अब आपको ये तो एंगल जीरो दे रखा है, तो बेसिकली आपको एच वन माइनस एच टू फाइंड करना है। नाउ एच वन एच टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू टी रो जी वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू। ये आपको एच दे रखा है, बेसिकली आपको टू पूछा है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा वन अपॉन आर वन वन माइनस आर टू। जब इसको आप प्रॉपर वे से सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर फर्स्ट वन। नेक्स्ट, द कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स इन द वाटर एंड वाटर राइज इट इन टू हाइट एच, द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज एम, इफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब इज डबल देन द मास ऑफ द वाटर इन द विल बी। तो देखो अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो राइज होता है वो होता है टू टी, यहाँ जो मैं इसके आपको डायग्राम से इसको समझाऊँ तो इसके अंदर जो भी राइज होता है वो होता है टू पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। सो बेसिकली जो एम होता है ना, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यदि रेडियस को डबल कर दिया जाए तो मास भी कितना हो जाएगा, डबल। सो इसका आंसर आ गया 2m। क्वेश्चन नंबर 16, वाटर राइजेस टू हाइट h इन द कैपिलरी ट्यूब लोअर वर्टिकली इनटू द वाटर टू द डेप्थ l एज पर फिगर, द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज, द ट्यूब इज देन टेकन आउट ऑफ द वाटर एंड ओपन अगेन, द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम रिमेन इन द ट्यूब विल बी। देखो पहली बात आपको ये निकालना है कि जब इसको बाहर निकालेंगे तो उस समय उसकी एक्चुअली लेंथ कितनी रहेगी। तो लेट अपन मान लेते हैं कि ये अपने पास लिक्विड ऐसा बन गया, इसकी रेडियस अब तो अपन को आर दे ही रखी है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट और यहाँ का प्रेशर पी नॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, सरफेस टेंशन के कारण आपको बताइए जब यहाँ से नीचे जाएंगे तो हो जाएगा माइनस टू टी आर, तो मैं प्रेशर इक्वेशन लिख रहा हूँ पी नॉट माइनस टू टी आर प्लस रो जी हाइट एच वन। इसकी जो नई हाइट आ रही है, इसकी जो नई लेंथ आ रही है वो माइनस टू टी आर, मतलब इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आई वो आर इज इक्वल टू बार का प्रेशर आ गया पी नॉट। ये पी नॉट से पी नॉट गया, अपने पास आ गया रो जी एच इज इक्वल टू टू टी वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, ठीक है। नाउ अपन को देखना है कि हाइट मैक्सिमम कब रहेगी, तो देखो हाइट मैक्सिमम तब रहेगी जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास ये आ गया रो जी एच इज इक्वल टू टू टी डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो जब अपन इसको वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास जो एच डैश है वो एच डैश आ गया टू एच के बराबर, मतलब ये जो है यदि अपन सफिशियंट लेंथ की अपने पास ट्यूब हो तो 2h रहेगा। अब यदि लेंथ उससे कम है तो फिर उसके कम लिक्विड रहेगा, मतलब ये जो ट्यूब है इसकी लेंथ यदि काफ़ी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2h रहेगा यदि l का वैल्यू h से ज़्यादा है। तो क्योंकि देखो h ऑलरेडी है और यदि l का वैल्यू h से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल 2h रहेगा। और यदि कम है तो जितने अपन को पता है जितनी ट्यूब रहती है उतना ही उसके अंदर लिक्विड रहता है, तो यदि ये जो l है वो h से कम है तो 2h तो रह नहीं सकता, तो अपन यदि देखते हैं तो अपना ऑप्शन हो गया फर्स्ट वन। ओके सो नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, टू स्पेरिकल सॉप बबल, आपको दो आपको दे रखा है दो साबुन के बुलबुले आपस में मिलते हैं, यदि भरी हवा के आयतन में परिवर्तन वी, इफ द वी इज द कंसिक्वेंट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कंटेंट एयर एंड एस द चेंज इन द टोटल सर्फेस एरिया एंड द टी इज द सर्फेस टेंशन ऑफ द सॉप बबल देन। आपको बोला है कि ये सब यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो क्या है, तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि अपने पास एक सॉप बबल है,
ये दूसरा सौ बबल है और इनको मिलाते हैं तो अपने पास ये एक नया बनता है। मतलब कुल मिलाकर यदि मैं इसका वॉल्यूम V1 लिखता हूँ, इसका वॉल्यूम यदि V2 लिखता हूँ और इसका वॉल्यूम V आता है, तो इसका सरफेस एरिया भी रहेगा S1, सरफेस एरिया भी रहेगा S2, इसका सरफेस एरिया आएगा S। तो आपको बोला है कि इनके अंदर आपस में रिलेशन है वो क्या है। तो देखो लेट अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर प्रेशर P1 था, इसके अंदर प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर है P। इसके अंदर नंबर मोल कांस्टेंट रहेंगे N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N। नाउ N का फॉर्मूला है PV डिवाइड बाई RT। ठीक है, अपन ये मानकर चल रहे हैं कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो अपन इसकी इक्वेशन लगाते हैं। N1 क्या है, प्रेशर अंदर एक्सेस प्रेशर होता है P0 प्लस 4TR1, V 4/3πR1 का क्यूब प्लस P0 प्लस 4T डिवाइड बाई R2 4/3πR2 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर में P0 प्लस 4T डिवाइड बाई R3 4/3πR3 का क्यूब। ये आपको आपने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ द, ठीक है। अब अपन को इसको इसके टर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूँ, ये आपको मिट जाएगा और प्रेशर को अपन को सब एक साइड में लेकर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज देखो P0 4/3πR1 का क्यूब प्लस 4/3πR2 का क्यूब माइनस 4/3π जो नया रेडियस आया R3 का क्यूब इंटू 4T डिवाइड बाई R। P0 मैं इसको वॉल्यूम V1 लिख रहा हूँ, इसको वॉल्यूम V2 और वो ही, तो आ गया V1 प्लस V2 माइनस V3। आगे जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 4 ये आ गया अपने पास 16 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 16 डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई 16, ये 3 और ये आ जाएगा πR1 का स्क्वायर, ऐसे अपने पास आ जाएगा 16/3 πR2 का स्क्वायर माइनस 16/3 πR1 क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है सरफेस एरिया, S1 क्या है 4πR1 का स्क्वायर। तो बेसिकली मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपके लिए, 4/3 ये आ जाएगा S1 प्लस S2 माइनस S3। ठीक है, ये आपको टोटल वॉल्यूम V0 दे रखा है, अब आप ऑप्शन देख लेना, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, टू सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस R1 इज प्लेस्ड ऑन द अनदर सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस R2, द रेडियस R ऑफ द सॉफ्ट पी ऑफ द फिल्म सेपरेटेड बाय, ये आपको बताइए, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वाटर इज फिल्ड अप टू द हाइट h इन द बिकर ऑफ द रेडियस R एज शोन इन द फिगर, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज T एंड द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज P0, कंसिडर द वर्टिकल सेक्शन ABCD। मैं इस ABCD को यहाँ अलग से बना लेता हूँ, ABCD। ठीक है,
ये इसके पीछे ऐसे बना हुआ है एबीसीडी, एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, वाटर कॉलम थ्रू द डायमीटर ऑफ द बीकर, द फोर्स ऑन द वाटर ऑन द साइड ऑफ दिस सेक्शन बाय द वाटर ऑन द अदर साइड ऑफ द सेक्शन हैज मैग्नीट्यूड। आपको इसके अंदर पूछा गया है कि एक साइड के कारण दूसरे साइड पे फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो ये जो सरफेस है यहाँ पर सरफेस टेंशन लगेगा, ठीक है, तो सरफेस टेंशन के कारण ये इधर लगेगा, ठीक है, वो कितना लगेगा, इसकी लेंथ कितनी है 2R, ये कितना है T, और दूसरा यहाँ पर प्रेशर के कारण यहाँ जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, इसकी हाइट H है, तो देखो P नॉट जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसके कारण सब जगह यूनिफॉर्म लगेगा, इसका 2R इंटू एच, ये तो उसके कारण लग गया, ठीक है, और दूसरा जो लगेगा जो डेंसिटी वेरी कर रही है, तो डेंसिटी वेरी कर रही है तो अपन लिख सकते हैं डेंसिटी रो जी एच बाई टू इंटू एरिया, तो एरिया अपन को बताइए कितना है 2R प्लस एच, ठीक है, तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये फोर्स माइनस ये फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, जब वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट योर सेकेंड आंसर। नेक्स्ट, ए ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस आर हैज द वॉल्व सेपरेटिंग द टू आइडेंटिकल एंड्स, इनिशियली द वॉल्व इज इन द लाइटली क्लोज पोजिशन एंड ए वन हैज द एंड ए हैज द हेमिस्फेरिकल सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस आर, इसके अंदर रेडियस आर है, एंड टू हैज द सेमी हेमिस्फेरिकल सॉफ्ट बबल एज शोन इन द फिगर जस्ट आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व इज। आपको यहां पर जो आपको दे रखा है ये आपको हल्का सा ऐसे दे रखा है और जबकि यहां पर आपको ये ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो आपको बोला बताना है, मतलब ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। पहली बात तो अपन ये देखते हैं कि प्रेशर यदि डिफरेंट रहेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना एयर फ्लो फ्रॉम एंड टू एंड फ्रो सॉरी एयर फ्लो एयर फॉर्म फ्रॉम एंड ए वन फ्लो टूवर्ड द एंड टू, पहला ऑप्शन दे रखा है कि एंड वन से एंड टू में जाएगा, सेकंड में क्या दे रखा है एयर फ्रॉम एंड वन फ्लो टूवर्ड एंड टू वॉल्यूम ऑफ द सॉफ्ट बबल एट द एंड वन डिक्रीज, दिख नहीं रहा इधर से देख लेते हैं, हवा सिरा एक से सिरा दो की ओर बहती है बुलबुलों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहला ऑप्शन ये, वो तो वैसे रॉन्ग हो गया, हवा सिरा एक से सिरा दो की ओर बहती है सिरा वन पर बुलबुले का आयतन घटता है, ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एक्चुअली फ्लो किधर होगा, तो इनसाइड जो प्रेशर होता है वो होता है पी नॉट प्लस टू टी बाई आर, जिसका आर कम होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो अब इनमें से देखना है कि किसका रेडियस कम है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है डायग्राम में प्रॉपर वे से कि जो आर वन है उसका वैल्यू आर टू से ज़्यादा है, बेसिकली ये एकदम यहाँ पर ऐसे है, ऐसा होता है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर यदि ज़्यादा है तो एयर का फ्लो ऐसे होगा, तो एक से दो की ओर जाएगी और डेफिनेटली ऐसे जा रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टू लार्ज होल आर द कट इन द मेटल सेट इफ दिस इज हीटेड, आपको बोला गया कि इसको हीट करते हैं, तो हीट करते हैं तो डेफिनेटली ये भी इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा, सो अपन मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड बॉडी हैविंग अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन देन द चेंज इन आई आई करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल चेंज, अब आपको बताया कि जो आई होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, सॉलिड ऑब्जेक्ट हो तो अपन इसको कर सकते हैं 3/5 एम आर स्क्वायर, नाउ डेल्टा आई बाई आई विल बी इक्वल टू, सब कॉन्स्टेंट है, टू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू आपको पता ही है अल्फा डेल्टा वी अपन करेंगे तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ए लिक्विड विद कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज द फील्ड इन द कंटेनर ऑफ द मटेरियल हैविंग द कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, देखो
liquid with the coefficient of the volume expansion, कंटेनर ऑफ द मेटेरियल, आपके पास ये एक इसका जो कंटेनर है इसका गामा है थ्री अल्फा, थ्री अल्फा, इसके अंदर लिक्विड भरा है वो है गामा, ठीक है। इफ द लिक्विड ओवर फ्लो ऑन हीटिंग, बोला गया है कि लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो होता है तो कब होगा, तो अपन को पता है कि यदि इन दोनों में से लिक्विड का, यहाँ जो ये कंटेनर का है और ये लिक्विड का है, यदि लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, इसलिए वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट, टू रोड हैविंग लेंथ L1 एंड L2 मेड ऑफ द मटेरियल्स विद द लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा वन एंड अल्फा टू वर सोल्डेड टुगेदर, द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द ऑब्टेन रोड इज, तो अपन को पता है डेल्टा एल भाई, एल का फॉर्मूला होता है अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन को फाइंड करना है इफेक्टिव, तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि जो इसका कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है डेल्टा एल, वो आना चाहिए डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू का। नाउ जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या आ जाएगा एल वन प्लस एल टू, अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी इज इक्वल टू एल वन अल्फा वन डेल्टा टी प्लस एल टू डेल्टा टी, वैल्यू पुट करो यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, ए लेक सरफेस इज एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर वेयर द एटमोस्फेयर प्रेशर इज माइनस डिग्री सेल्सियस, इफ द थिकनेस ऑफ द आइस लेयर फॉर्म ऑन द सरफेस ग्रो फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर इन 1 आवर, द एटमोस्फेयर प्रेशर इज टी ए विल बी, आपको ये पूछा है, इसमें इसका डेरिवेशन है, एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं फिर अपन इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखो, जैसे मेरे पास ये कोई है लेट, इतनी लेयर है ऑलरेडी जम गई है x, और ये नेक्स्ट जो लेयर है वो फ्रीज होने वाली है, तो डेफिनेटली इसको जो भी हीट मिल रही है, इसको जो भी हीट मिल रही है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, यदि हीट मिल रही है तो वो हीट कहाँ से मिल रही है, इसके जमने से। तो आई कैन राइट दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, और ये डी क्यू बाई डी टी लिखता हूँ तो डी क्यू बाई कितना हो गया डी टी। नाउ दैट इज के ए लेट, ये एक्स ऑलरेडी देख दिया मैंने, के ए डिवाइड बाई एक्स टेम्परेचर टी माइनस जीरो इज इक्वल टू एल डी एम बाई डी टी। नाउ डी एम कौन सा है, ये वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है ए इंटू डी एक्स, तो अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं के ए टी एक्स इक्वल टू एल रो ए डी एक्स बाई डी टी। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई हो तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, और अपने पास आ जाएगा ये डी टी के ए टी इक्वल टू एल रो ए एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये तो कांस्टेंट है, ये 0 to 1 आवर बोला है, तो 3600 ये आपको x1 to x2 दे रखा है, वैल्यू पुट करना यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हीट फ्लो रेडियली आउटवर्ड थ्रू द स्फेरिकल सेल ऑफ आउटसाइड रेडियस r2 एंड इन रेडियस r1, आपको बोला गया है कि ये एक सेल है, इसकी रेडियस है ये r1 और इसकी रेडियस है ये r2। द टेम्परेचर ऑफ द इनर सरफेस इज θ1 एंड द डेट ऑफ आउटर इज θ2। द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल वेयर द टेम्परेचर इज जस्ट हाफ वे बिटवीन θ1 एंड θ2। आपको बोला गया है कि ये कोई एक डिस्टेंस बताओ यहाँ से,
जहां का टेम्परेचर थीटा वन प्लस थीटा टू बाई का हाफ हो। तो एक तो मैं आपको यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस आता है, थर्मल कंडक्टिविटी, उन सब पर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो होता है आर वन माइनस आर टू डिवाइड बाई आर वन आर टू। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना, आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूं मैं। आपको बोलाया गया है कि ये तीन लेयर है, तो अपन को पता है कि जितनी हीट यहां जाएगी उतनी हीट यहां जाएगी, सो रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी इक्वल। यहां का थीटा एज्यूम कर लेता हूं, थीटा का वैल्यू मुझे पता है, बट एक बार मैं लिख लेता हूं, थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइड बाई टू। तो इसको यदि मैं करंट आई वन मानता हूं तो ये भी करंट आई वन है, तो क्या रहेगा देखो, अच्छा यहाँ का थीटा टेम्परेचर कितना है, थीटा वन, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, थीटा टू, तो थीटा वन माइनस थीटा डिवाइड बाई आर वन, आर वन यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब है, तो मैं इसको छोटा आर वन लिख लेता हूँ, दैट इज आर वन, ये थीटा वन इक्वल टू थीटा माइनस थीटा टू रेजिस्टेंस आर टू। नाउ व्हाट इज आर वन, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये आ जाएगा R माइनस आर वन आर आर वन, और अपने पास रेसिस्टेंस जो R2 आ जाएगा वो आएगा K R2 माइनस R डिवाइड बाई R R2। ठीक है, ये अपने इसके रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, ये जो आपको पास थीटा दे रखा है, थीटा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास जो आंसर है वो आ जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल फ्रॉम 40 टू 36 डिग्री इन 5 मिनट व्हेन द प्लेस इन द सराउंडिंग ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर 16 डिग्री, देन द टाइम टेकन ऑफ फॉर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू बिकम 32 डिग्री। इजी क्वेश्चन है ये, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, 40 माइनस 36 डिवाइड बाई कितना टाइम लिया उसने, 5 इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, इसका एवरेज 38 माइनस सराउंडिंग कितना है 16 डिग्री, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा, 36 टू 32 में कितना टाइम लगेगा, लेट टाइम इज टी इज इक्वल टू के, इसका एवरेज हो गया 34 माइनस 16 डिवाइड बाई टू, सॉल्व करो यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द डेंसिटी ऑफ द आइस इज 0.9 एंड दैट ऑफ द सी इज 0.11, आइसबर्ग ऑफ द वॉल्यूम वी इज फ्लोटिंग इन द सी वाटर, द फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग अबव द वाटर इज, ये तो बहुत इजी है, एम जी इज इक्वल टू डिस्प्लेस लिक्विड, या मैं बोलो रो वी जी। ठीक है, एम ए आइसबर्ग का डेंसिटी ऑफ आइस तो 0.9, इसकी वॉल्यूम जो है वी इज इक्वल टू 1.1, जो वॉल्यूम इनसाइड है उसका इनटू जी, इसका जब सॉल्व करोगे अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वुडन ब्लॉक विद द कॉइन प्लेस्ड ऑन द टॉप फ्लोट इन द वाटर एज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस एल एंड एच आर शोन इन द देयर देयर आफ्टर सम टाइम द कॉइन फॉल इन टू द वाटर, देन बोला है कि कॉइन यहाँ से यदि अंदर गिर जाता है, तो यदि कॉइन अंदर गिरेगा तो डेफिनेटली ये जो सरफेस का यहाँ जो भी ब्लॉक है ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर तो एल वन डिग्रीज होगा, ओके ये बाहर आएगा तो इसकी जगह यहाँ का जो वाटर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये एच भी डिग्रीज होगा, तो आंसर आ गया इसका फोर्थ वन। नेक्स्ट, ए बॉडी इज जस्ट फ्लोटिंग इन द लिक्विड, देयर डेंसिटी आर इक्वल, इफ द बॉडी स्लाइटली प्रेस्ड डाउन एंड रिलीज, आपको बोला है कि इक्विलिब्रियम के अंदर ये फ्लोट कर रही है, अब इसको यदि स्लाइटली प्रेस करके छोड़ दिया, तो स्लाइटली प्रेस करेंगे तो वो नीचे जाकर बॉटम में जाकर बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एन आइस ब्लॉक फ्लोट इन द वाटर, ए पार्ट ऑफ ब्लॉक इज आउटसाइड द वाटर, व्हेन होल ऑफ द आइस हैज मेल्टेड द वाटर विल लेवल, तो वाटर के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एटमोसफियर प्रेशर शोन बाय द बैरोमीटर, देखो बैरोमीटर का जो प्रेशर शो होता है वो होता है रो जी एच, और लिफ्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, एटमोसफियर प्रेशर वो पी नॉट ही रहता है।
नाउ क्वेश्चन है कि रीडिंग में क्या चेंज आएगा. सो देखो सिंपल सी बात है, पी इज इक्वल टू रो जी इफेक्टिव इनटू एच. यदि लिफ्ट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है मतलब नीचे इसका एक्सेलरेशन है, या सपोज एक बार मान लेना इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, यदि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो जी इंक्रीज हो जाएगा, तो एच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इसकी जो रीडिंग है वो कम शो होगी. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, ग्रेटर इफ द लिफ्ट डिसेंडेड विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. देखो यदि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रहेगी तो जो रीडिंग है वो होगी वही रहेगी. नेक्स्ट, लेस इफ लिफ्ट डिसेंडेड विद द रिटार्डेशन. देखो क्या बोल रहा है, लिफ्ट मंदन के साथ नीचे जा रही है. देखो नीचे तो जा रही है लेकिन रिटार्डेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की ओर, और यदि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीडिंग है वो कम दिखाएगा. सो इसका आंसर आ गया लेस इफ द लिफ्ट डिसेंडेड विद द रिटार्डेशन. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोन ग्रेटर इंक्रीमेंट इन द लेंथ व्हेन सब्जेक्ट टू द सेम लोड टू द वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गामा डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एम जी बाई ए. सो डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, टू रॉड ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग एंड लेंथ हैव द देयर रेडियस आर वन एंड आर टू. ये दोनों अलग अलग दे रखा है, व्हेन दे आर रिजिडली फिक्स्ड एट द वन एंड एंड द ट्विस्टेड बाय द सेम कपल अप्लाइड एट द अदर एंड, देन आपको जो इसका रेशियो पूछा है वो, तो इसका आपको टॉर्क जो सेम टॉर्क से बोला है, तो सेम टॉर्क का इसका जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 इंटू थीटा, क्योंकि रेडियस के टर्म में पूछा है, ये आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है. वैसे इसका पूरा फॉर्मूला होता है पाई ईटा आर की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 2L, मतलब यहाँ पर 2L ईटा वो सब आता है, बट रेडियस पर पूछा है. सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 थीटा. अब आपको क्या बोला है, सेम कपल, यदि टॉर्क सेम है इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4. ओके, नेक्स्ट, इफ द स्ट्रेसिंग फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द वर्टिकल मेटल वायर देन इट्स लेंथ इज L1 एंड इफ द फोर्स F2 इज अप्लाइड ऑन द देन इट्स लेंथ बिकम L2 द रियल लेंथ ऑफ वायर इज. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. F का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे kx है एक्सटेंशन, तो अपन मान लेते हैं कि लेंथ ओरिजिनल है L0, तो मैं यूज करता हूँ F1 इज इक्वल टू kL1 माइनस L0 इक्वेशन नंबर 1. दूसरा है मेरे पास F2 k, लेंथ कितनी हो जाती है L2 माइनस L0. तो आपको पूछा है कि वास्तविक लंबाई क्या है, इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट 36, इस बार हिंदी में पढ़ लेते हैं. दो जार जो अमिश्रणीय द्रवों 1 तथा 2 जिनके घनत्व रो 1 तथा रो 2 है से भरा है, घनत्व रो 3 के पदार्थ से बनी हुई कोई ठोस बॉल इस जार में गिराई जाती है, इस चित्र में दर्शाए अनुसार साम्यावस्था स्थिति में आ जाती है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी. तो सीधी सी बात है, रो 2 सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद रो 2 रहेगा, उसके बाद रो 1 रहेगा, क्योंकि यदि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती तो वह रुकता ही नहीं और आगे आगे जाता. नेक्स्ट, इफ द वर्क डन इन द ब्लोइंग ए बबल ऑफ वॉल्यूम वी इज डब्ल्यू देन द वर्क डन टू ब्लोइंग ए सॉफ्ट बबल ऑफ वॉल्यूम 2 इज. देखो अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है सरफेस टेंशन की एनर्जी का, वो होता है टी इंटू डेल्टा ए, सॉफ्ट बबल है तो ये 2T, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज सेम टू सेम है. तो यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, अदर थिंग सब कॉन्स्टेंट है, सो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर. अब आपको एक्चुअली वॉल्यूम की बात की है, तो देखो वॉल्यूम वी है तो कितना आएगा 4/πr³, तो आर इज बेसिकली
समथिंग कॉन्स्टेंट वी की पावर 1/3. तो अब आपको फाइंड करना है W1/W2 इक्वल टू V/2V की पावर 1/3. ठीक है, मूविंग नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. A soap bubble is very slowly blown on the end of the glass tube by the mechanical pump which supplies a fixed volume of the air every time. मतलब वॉल्यूम उसके अंदर फिक्स रेट से आ रहा है, वॉल्यूम की रेट फिक्स है, इसका मतलब रेट ऑफ इंक्रीज dr/dt इज ऑल्सो फिक्स. ठीक है, ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट. द प्रेशर अगेंस्ट द विच इट्स पंप द एक्सेस ऑफ द प्रेशर इनसाइड द बबल वेरीज विद द टाइम इज शोन इन फिगर. इज बोला एक्सेस प्रेशर कैसे वेरी करेगा, तो अपन को बताया कि जो r है दैट इज समथिंग kt और एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज 2t/r. सो डेल्टा पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. आंसर नंबर थर्ड. मूविंग नेक्स्ट. नेक्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ द लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस ए कोलेसेस टू फॉर्म द सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस बी. द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज कन्वर्टेड इन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप फॉर्म इफ द डी एंड टी आर द डेंसिटी एंड द सर्फेस डेंसिटी सर्फेस टेंशन ऑफ द लिक्विड देन द स्पीड ऑफ ड्रॉप इज. आपको बुलाया गया है, एक मैं यहाँ पर ड्रॉप बना लेता हूँ कि ये एन रेडियस एन ड्रॉप है ए की और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बी के अंदर और वो जो एनर्जी आ रही है वो कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर. तो मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ इसमें, देखो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी पहले कितनी थी एन एन टी 4πa² ये पहले एनर्जी थी माइनस टी 4πb² ये बाद की एनर्जी है. इक्वेशन नंबर 1. नाउ इस m को भी आप लिख सकते हो, इसकी डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी रो की जगह d दे रखी है, d 4/3πb³. ठीक है, नाउ अपन को n फाइंड करना है. n फाइंड करना इजी है, n वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का मैं 4π सब छोड़ रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ a³ = b³. तो अपने पास n आ गया b³/a³. नाउ इसके अंदर सॉल्व करो, पुट करो वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, ए लिक्विड रिचेस एन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ द इंटरनल रेडियस r. इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज t, द एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट इज थीटा एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, देन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन p एंड q इज. देखो p है इसके जस्ट ऊपर का पॉइंट और q है यहाँ का, तो जो प्रेशर डिफरेंस बेसिकली जो आएगा वो आएगा 2t/r. यहाँ पर जो r है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे मतलब ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये है अपनी रेडियस, तो इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल है ये r है. अब इसके अंदर r दिया था इसको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को r नॉट लिख लेता हूँ, ये अपने पास r नॉट आ गया, तो r नॉट cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया r, तो वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ गया फर्स्ट वन. ठीक है, करते हैं नेक्स्ट मूव. नेक्स्ट, इफ द बायोमेटलिक स्ट्रिप इज हीटेड इट विल. तो ये तो बहुत सिंपल सा ही है, आपके पास यदि ये दे रखा है, ये सपोज ये अल्फा वन है ये अल्फा टू है, यदि अल्फा वन ज़्यादा रहेगा और कोएफिशिएंट ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली इसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तो ये स्टेप्स हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट नेक्स्ट 42. ए बीकर इज फिल्ड विद वाटर एट 4°C. एट वन टाइम द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय द फ्यू डिग्री अबव 40°. And then another time it is decreased by the few degree below 4°. On one cell observe that. ये density का question है, आपको पता है कि जो density होती है density होती है वो 4° पर सबसे ज़्यादा होती है, तो दोनों में एक ही observation मिलेगा. इसका जो 42 है आपको देखो क्या जगह है, the level remain constant in the each voice. अब यहाँ पर तो लेवल की बात आई है तो अपन बात कर लेते हैं, ये रिमेन कांस्टेंट डेफिनेटली नहीं रहेगा बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज होता है. इन फर्स्ट केस वाटर फ्लो वाइल द सेकंड, ये भी केस गलत हो गया. इन द सेकंड केस ये भी गलत हो गया.
दोनों केस के अंदर सेम रहेगा, बिकॉज 4 डिग्री पर उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहता है, वॉल्यूम सबसे कम रहता है, तो वॉल्यूम यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगा. सो वाटर ओवरफ्लो इन द बोथ केसेस. कॉन्सेप्ट लोकेशन वैसे ये तो द रॉड ऑफ लेंथ एल वन एंड एल टू आर मेड ऑफ द मटेरियल हुज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आर अल्फा वन एंड अल्फा टू. इफ द डिफरेंस बिटवीन टू लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एल वन डैश माइनस एल टू डैश इज इक्वल टू एल वन माइनस एल टू. एल वन डैश का वैल्यू अपन पुट करेंगे एल वन वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, और ऐसे ही एल टू डैश का वैल्यू पुट करेंगे एल टू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी. जब अपन इसको पुट करेंगे प्रॉपर वैसे तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड वन. नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द क्रिस्टल इन द वन डायरेक्शन इज अल्फा वन एंड दैट इज एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज अल्फा टू. द कोएफिशिएंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन इज, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री. अब आपको एक तो दे रखा है अल्फा वन और बाकी दो दे रखे हैं, तो ये अल्फा वन टू अल्फा टू, तो इसका 44 का जो आंसर है वो आ जाएगा थर्ड वन. नेक्स्ट ए लॉन्ग मेटेलिक बार इज कैरिंग हीट फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड ऑफ द अदर एंड अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन. द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर थीटा अलोंग द लेंथ एक्स ऑफ द बार फ्रॉम द हॉट एंड इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय. आपको बोला गया है कि एक बार मैग्नेट है, एक लॉन्ग मेटेलिक स्ट्रिप है और स्टेडी स्टेट में, मतलब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है. ठीक है, अपन को बताया कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, तो हीट का फ्लो सेम रहेगा. यदि एक्स डिस्टेंस पर आपको टेम्परेचर पूछा जाए, इसका यदि टेम्परेचर टी नॉट है तो अपन को पता है आई इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी डिवाइड बाय इतने का रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. तो मैं समथिंग के इंटू एक्स लिख लेता हूँ. तो अपने पास टी जो आएगा वो आएगा टी नॉट माइनस समथिंग के आई एक्स. सो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया सेकेंड वन. मूविंग फर्स्ट, नेक्स्ट पीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट प्राइमरी ड्यू टू कन्वेक्शन. तो ये वाला सिंपल सही. नेक्स्ट टू आइडेंटिकल बॉडी ए एंड बी आर केप्ट इन द एवोकेटेड चैम्बर एट 27 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ए एंड बी है गिवन. द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम ए टू बी डी क्यू बाई डी टी, बाकी सब कॉन्स्टेंट. टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड हॉलो स्फीयर. ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड द हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस आर एंड एक्सटर्नल रेडियस आर आर मेड ऑफ द कॉपर. दिस आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर एंड देन अलाउड टू कूल इन द सेम सराउंडिंग. आपको ये बोला गया है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है आर, एक हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस से आर और अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस से आर. दिस आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर एंड देन अलाउड टू कूल इन द सेम सराउंडिंग. तो उसमें से कौन सा फास्ट कूल होगा? तो डेफिनेटली अपन को पता है डी टी बाई डी टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इसका एरिया तो सिर्फ 4πr² है, जबकि उसका एरिया है 4πr² प्लस 4π स्मॉल आर का स्क्वायर. मतलब इसका जो एरिया आएगा वो तो आएगा 4πr का स्क्वायर, जबकि इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 4πr² प्लस r². इसका एरिया ज़्यादा है तो ये जल्दी कूल होगा. सो होलो स्फीयर विल कूल फर्स्ट. मूविंग नेक्स्ट, इफ फॉर द ब्लैक बॉडी द ग्राफ ऑफ द चेंजेस इज द इमिसिव पावर एट द डिफरेंट टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 विद द वेवलेंथ इज करस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू फिगर. देन आपको बोला गया है कि ये सारे टेम्परेचर दे रखे हैं तो कौन सा राइट है? तो देखो विंस लॉ यूज करना है. इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा. जिसका लेमडा ज़्यादा है, देखो सबसे
लैम्डा कम है इसका, तो टी थ्री सबसे ज़्यादा रहेगा, तो टी थ्री शुड बी सबसे ज़्यादा टी थ्री। अब ऑप्शन में से देखा तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इनमें से अपन को चेक करना है, ठीक है। नाउ उसके बाद इस ग्राफ से यदि देखें तो ये वाला जो वेवलेंथ है ये ज़्यादा है इसके, तो इसका टेम्परेचर नेक्स्ट आएगा ये, तो इसका जो आंसर है दैट इज योर सेकेंड वन, ठीक है। सबसे कम किसका रहेगा, टी वन का। नेक्स्ट, टू बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन सस्पेंडेड इन द वाटर फ्रॉम द आर्म ऑफ द बैलेंस द मास ऑफ द बॉडी इज 36। आपको बोला गया है कि अपन इन दोनों को वाटर के अंदर डालते हैं, इसका मास आपको गिवन है, तब ये बैलेंस केस के अंदर है। तो देखो मैं सीधी सी बात कर सकता हूँ, पहले का जो फोर्स है एम वन जी माइनस रो ऑफ वाटर वी वन जी इज इक्वल टू एम टू जी माइनस रो, सॉरी ये लिक्विड का रहेगा, रो वी टू जी, यहाँ से मेरे पास आ गया एम वन माइनस रो वी वन इज इक्वल टू एम टू माइनस रो वी टू, ठीक है। नाउ ये वन वन है, एम वन आपको दे रखा है 36 माइनस ई वन। नाउ 36 को उसकी डेंसिटी जो भी दे रखा होगा, डेंसिटी और इसका जो वॉल्यूम वी है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 36 डिवाइड बाई डी वन, इसी टाइप से आ जाएगा 48 माइनस 48 डिवाइड बाई डी टू। जब इसका अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आपको या सिर्फ इतना सा लगाना है ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, ए बिकर विद द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इन द बैलेंस ओवर द पान ऑफ द वेटिंग मशीन। आपको बुलाया गया है कि एक बीकर है और वो किसी पर बैलेंस, मतलब उस साइड कुछ रखा हुआ है उस पर ही बैलेंस है, ठीक है। इफ द मास ऑफ 10 ग्राम एंड द डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज नाउ हंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द दैट पान विद द थ्रेड एंड द सिंकिंग फुली इन द लिक्विड विदाउट द टचिंग द बॉटम द एक्स्ट्रा वेट टू बी पुट ऑन द अदर पैन। अब देखो यहां पर जितना एक्स्ट्रा वेट आ रहा है, एक्स्ट्रा वेट कौन सा आ रहा है, एक्स्ट्रा वेट ये तो अपने पास आ रहा है mg, और यहां आएगा ये रो वी जी। इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए दूसरे पर एक दूसरा फोर्स लगना पड़ेगा, तो सीधा सीधा है F इज इक्वल टू एम जी, एम कितना है 10 ग्राम माइनस रो, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 1.4 रो वी, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है, वो है 10 इंटू रो इंटू वी, तो वी का वैल्यू आ गया 10 डिवाइड बाई 8, तो दैट इज 10 डिवाइड बाई 8 इंटू जी, इतना वेट रखेंगे तो ये अपने पास बैलेंस हो जाएगा। ए स्क्वायर क्वेश्चन है, ए स्क्वायर ब्रास प्लेट ऑफ साइड 1 mm, एक स्क्वायर प्लेट है 1 mm और इसकी आपको थिकनेस गिवन है, ए टेंजेंशियल अपोजिट फोर्स एप ऑन इट्स स्मॉलर अपोजिट फेस, जो स्मॉलर है यहाँ पर आपको एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएं। इफ द आपको शेयर मॉडुलस ऑफ गिवन है द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज, आपको पूछा है तो देखो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए और यहाँ आएगा एक्स बाई एच, ठीक है। तो एफ का वैल्यू अपने पास आ गया x बाई एच इंटू ए, ये आपको शेयर मॉडुलस है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये हाइट की जगह आएगा 1 मीटर, आपको एरिया दे रखा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इफ द रबर बॉल इज टेकन एट द डेप्थ ऑफ 200 mm इन द पूल इट्स वॉल्यूम डिक्रीज बाय 0.1 इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज गिवन एंड जी। देखो पहले तो बीटा का फॉर्मूला डेल्टा पी डेल्टा वी बाई वी, सो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, वैसे आपको पूछा क्या है, देन द वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज, ओ कुछ नहीं है, आपको प्रेशर का फॉर्मूला डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी है रो जी
H, and volume is increased by decreased by delta V by V into 100 is equal to given है 0.1. तो basically आपको delta V by V है 0.1 divided by 100. ठीक है, value substitute करो, you will get your answer. Next, a soap bubble in the vacuum has the radius 3 cm and another soap bubble has 4 cm. एक का radius है 3, दूसरे का है 4. If two bubble are closest under the isothermal condition, isothermal condition है, इसका मतलब temperature क्या रहेगा? Same रहेगा. तो आपको पूछा है कि इसकी radius कितने रहेगी? तो number of mole use करने है, conservation, number of mole, number of पहले यहाँ पर कितने रहेंगे? तो देखो यहाँ का pressure यदि P naught लेता हूँ तो यहाँ का pressure P1, यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का प्रेशर P3. नाउ मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ P1 V1 डिवाइड बाई यहाँ आएगा RT, वो लिखने की जरूरत नहीं है. P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3. ठीक है, सिंपल सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ये आ जाएगा P नॉट प्लस सॉप बबल है 40 डिवाइड बाई R1 4/3 पाई आर क्यूब, तो सब कट जाएगा यहाँ पर R1 का क्यूब प्लस पी नॉट प्लस 40 डिवाइड बाई R² R2 का क्यूब इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 40 डिवाइड बाई R का R³. ठीक है, जब इनको अपन मिलेंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट इन द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा. नेक्स्ट मूव करते हैं. स्टील रॉड इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज द क्रॉस सेक्शन एरिया 0.8. फोर्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेस दिस रॉड बाय द सेम अमाउंट एज द एक्सपेंशन प्रोड्यूस बाय द हीटिंग थ्रू द 10 डिग्री सेल्सियस. आपको बोला है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जाए, तो अपन को पता है फॉर्मूला यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए, दैट इज डेल्टा एल बाई एल. और डेल्टा एल बाई एल कितना है? अल्फा डेल्टा टी. तो गामा अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया इज इक्वल टू एफ. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट, ए वॉल हैज टू लेयर ए एंड बी, इच मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल, बोथ द लेयर हैव द सेम थिकनेस, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए. आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन है ये है कि ए है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, और ये जो बी है इसका के है, तो इसका टू के है थर्मल कंडक्टिविटी. फॉर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ द बी, अंडर द स्टडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 36 डिग्री, देन टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए इज. तो देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि 36 डिफरेंस पूछा है, तो आप इसको यहाँ पर 36 और इसको जीरो एज्यूम करके कर सकते हो. लेट यहाँ का टेम्परेचर पर मान लेते हैं टी, तो जितनी हीट यहाँ से जाएगी उतनी हीट यहाँ से जाएगी. तो अपन को पता है एरिया क्या होता है, के ए, तो इसका 2 KA. टेम्परेचर 36 माइनस टी डिवाइड बाई थिकनेस आपको सेम दे रखी है, बोथ हैव द सेम थिकनेस. तो ये एक्स इज इक्वल टू के ए टी माइनस 0x. सॉल्व करोगे अपने पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, ए बॉयलर इज मेड ऑफ द कॉपर प्लेट. एक बॉयलर है जिसकी थिकनेस गिवन है, तो अपन एक कॉपर प्लेट बना लेते हैं. यहाँ पर मैं एक बार, जिसका थिकनेस गिवन है 2.4 विद इनसाइड कोटिंग विद दैट. एक और यहाँ पर एक कोटिंग है, इसका ध्यान रखना है, तो ये भी एक सीरीज जैसे काम करेगा. इसकी थिकनेस है 0.2. दिस सरफेस आर एक्सपोज टू द गैस एट 700 डिग्री सेल्सियस. इसका जो एरिया है वो दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 700 इसका है डिग्री सेल्सियस. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम दैट कुड बी जनरेटेड. अब देखो स्टीम जनरेट करनी है, इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो देखो करना तो क्या है, इसके अंदर dQ by dt जिस रेट से हीट जाएगी इज इक्वल टू L
dm by dt. जिस रेट से हीट जाएगी. नाउ इसको मैं मान लेता हूँ टेम्परेचर R1, इसका टेम्परेचर ये R2, सॉरी रेजिस्टेंस R1 R2, ये दोनों अपने पास आ गए सीरीज के अंदर. तो सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो गया R1 प्लस R2. नाउ तो मैं सीधा सीधा लिख रहता हूँ, ये R1 आ जाएगा, टेम्परेचर है 700 माइनस 100 टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 दैट इज L dm by dt. जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. टू आइडेंटिकल स्क्वायर रॉड ऑफ द मेटल आर वेल्डेड एंड टू एंड एज शोन इन द फिगर. यहाँ पर जैसे कि ऐसे एज्यूम दैट 10 किलो कैलोरी ऑफ हीट फ्लो थ्रू द रॉड इन 2 मिनट. इसके अंदर जो हीट जा रही है वो जा रही है 2 मिनट के अंदर 2 कैलोरी, मतलब आपको डी क्यूब जो जा रहा है बाई डी टी वो गिवन है, दैट इज 2 कैलोरी टाइम आपको दे रखा है. नाउ द रॉड आर वेल्डेड एज शोन इन द फिगर, द टाइम इट वुड टेक फॉर 10 कैलोरी टू फ्लो थ्रू. अब बोला है कि यदि इसको ऐसे करते हैं तो कितना लेगा. तो टू आइडेंटिकल स्क्वायर रॉड मेड ऑफ आर वेल्डेड, दोनों आइडेंटिकल है. अब दोनों आइडेंटिकल है तो इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया R. ये दोनों हो गए सीरीज में तो इसका रेजिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट हो गया 2R. नाउ I का फ्लो जो रहेगा वो रहेगा 100 डिवाइड बाई 2R, ठीक है, वो होगा तो dQ बाई dt. सो dQ बाई dt इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2R इन फर्स्ट केस. यहाँ से मेरे पास R आ जाएगा कैलोरी, पहले में कितने दे रखा है 10 कैलोरी, 10 डिवाइड बाई 2 मिनट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2R, ये आपको दे रखा है. अब बोला कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसके अंदर ये हो गया पैरेलल में, तो इसका R इक्विवेलेंट हो गया अपने पास R बाई 2. कितने अपन को टाइम पूछा है. नेक्स्ट द टाइम वुड टेक फॉर 10 कैलोरी टू फ्लो, तो दैट इज 10 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट दैट इज आर बाई 2. नो कंपेयर करो, यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट ए बोट हैविंग लेंथ 3 मीटर एंड द ब्रेथ, एक एक बोट है ऐसी, तो यहां पर उसका गिवन है 3 मीटर एंड ये 2 मीटर. द बोट सिंक बाय 1 cm व्हेन द मैन गेट ऑन द वेट द मास वुड बी. तो सिंपल सी बात है, मास जो उतने आएगा जितना उसने वेट को डिस्प्लेस किया है. तो m इज इक्वल टू रो ऑफ द वाटर इंटू v, तो 3 × 2 × 10⁻². नेक्स्ट नेक्स्ट एंड मेटल रॉड ऑफ हिंग मॉडुलस अंडरगो इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 6%, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ का स्क्वायर. जब हम वैल्यू कोट करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट एन एयर बबल राइज अप इन द वाटर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर बी द गिवन, ये आपको दे रखा है. देन डिटरमाइन द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है. आप इसके अंदर आपको क्या पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला अपन सीधा यूज करेंगे 2/9. तो अपन इसके अंदर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2/, जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी इज 2/9 ईटा रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी. अब ये तो है नहीं, उसका खुद की डेंसिटी है नहीं, तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट नेक्स्ट ए वेजल फिल्ड विद द वाटर अप टू हाइट 3 मीटर, देर इज ए होल एट द हाइट 2.5 cm फ्रॉम द बॉटम, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल टू वेजल इज 0.1, देन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी वेटर कम आउट. अब क्वेश्चन ध्यान से लेना, वेजल फिल्ड विद द वाटर अप टू हाइट 3 मीटर, आपके पास 3 मीटर की हाइट तक ये भरा हुआ है, एक 52.5 पर हॉल है
तो अपन यहां से यदि देखते हैं तो कितना हो गया 3 माइनस 0.525, क्योंकि अपन को, तो मैं इसको लिख लेता हूं हाइट h, ठीक है, यूनिट में कन्वर्ट करना है। और बेसिकली एरिया भी कंपेरेबल है, क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल टू द वेसल इज 0.1, तो ये कंपेरेबल है। तो इसका एरिया यदि मैं a एज्यूम करता हूं तो ये है अपने पास 10a। तो अब अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कोई चीजें, तो मैं इसको स्लोली कर देता हूं। लेट यहां से लिक्विड आ रहा है वेलोसिटी v से, तो यहां की वेलोसिटी अपन मान लेते हैं v1। तो पहले अपने पास क्या आएगा, 10a v1 इज इक्वल टू a v। तो पहला मेरे पास रिलेशन आ गया v1 इज इक्वल टू v बाई 10, ठीक है। दूसरा बर्नौली थ्योरम लगाता हूं, तो अपन यहां से लगाते हैं, तो पहले यहां का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर p नॉट प्लस रो जी, ये आपको हाइट दे रखी है h, प्लस हाफ रो v1 की जगह मैं लिख लेता हूं v बाई 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर प्रेशर लगाते हैं p नॉट प्लस हाफ रो v का स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे, आपको वी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, देर इज ए स्मॉल होल इन द होलो स्पेयर, द वाटर एंटर इन द इट व्हेन इट्स टेकन टू द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर अंडर द वाटर सरफेस टेंशन इज, आपको बोला गया है कि एक होलो स्पेयर है, उसके अंदर एक छोटा सा होल है, उसमें वाटर तभी एंटर करता है जब उसको कितना नीचे लेकर जाते हैं 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि अब एक्सेस प्रेशर जो आया है वो 2T/R के बराबर होगा, तभी ये वाटर इक्वल जाएगा। तो एक्सेस जो प्रेशर है वो है रो जी एच इज इक्वल टू 2T/R, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एन आयरन टायर इज टू बी फिटेड ऑन टू द वुडन व्हील ऑफ 1 मीटर इन द डायमीटर, आपके पास एक कोई वुडन व्हील दे रखा है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 1 मीटर, डायमीटर ऑफ द टायर इज 3.6 mm स्मॉलर, मतलब जो जितना चाहिए डायमीटर उससे 3. इतना कम है, मतलब मुझे डेल्टा डी जो चाहिए ना वो है 3.6 mm। देन वॉट देन दैट द व्हील द टायर शुड बी हीटेड सो दैट द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय द मिनिमम, अब बोला गया है टायर को पहिए पर चढ़ाने के लिए उसको कितना न्यूनतम ताप से बढ़ाना चाहिए, तो सीधा सा ही है डेल्टा डी बाई डी नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये सॉल्व करो योर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टू रोड ऑफ लेंथ L1 एंड 2L थर्मल कंडक्टिविटी 2K एंड K आर कनेक्टेड इन द सीरीज, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टू रोड आर इक्वल देन इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम इज, ये सिंपल सा है, सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करना आंसर आ जाएगा। 19, थ्री रोड मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन हैव द बीन जॉइंट शोन इन फिगर इज ऑफ द सेम लेंथ लेफ्ट, आपको देखो ये दे रखा है, तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इज पूछा है, देखो मेड ऑफ सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, जितना करंट आएगा, मैं इसका फर्स्ट लॉ यूज कर रहा हूँ, इतना करंट जाएगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि सब में करंट आ रहा है, ठीक है, तो 0 माइनस टी डिवाइड बाई आर प्लस 90 माइनस टी डिवाइड बाई आर प्लस 90 माइनस टी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक बॉडी इज 3000 केल्विन, देन द ब्लॉक बॉडी कूल देन एनी टाइम द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम रेडिएशन डेंसिटी हैज चेंजेस बाय गिवन, आपको बोला गया इतने से चेंज होता है द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट दैट टाइम विल बी, तो देखो आपको बोला है कि 3000 का वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अपन को बी कॉन्स्टेंट पता है, तो यहाँ की अपन जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास
आ जाएगा ये वाला, दैट इज 3000। ठीक है, अब बोला है कि वेवलेंथ में इतना चेंज आया, वेवलेंथ के अंदर इतना चेंज आया, कब आया देखो, व्हेन द ब्लैक बॉडी कूल, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया कम, अब टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो वे नई जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी लैम्डा नॉट प्लस 9 × 10⁻⁶, ये न्यू वेवलेंथ आ गई। तो अब उसके करस्पॉन्डिंग अपन निकालेंगे लैम्डा नया वाला टी इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डेल्टा लैम्डा, सॉरी डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू, जय सी एल सी।